हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 5। योजकः तत्र दुर्लभः मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर। ओके, एवरी लिविंग क्रीचर हैज सम फॉल्ट, बट एवरी क्रीचर हैज सम वर्च्यू ऑल्सो। वी शुड ऑलवेज थिंक ओनली अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। This truth has been explained in this chapter through a conversation between a camel and other wild animals. Okay. एक उष्ट्रः अस्ति। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। सः सर्वदा दोषः एव पश्यति। एकदा सः वने अटति। उष्ट्र मीन्स अ कैमल। स्वभावेन बाय नेचर। वक्र मीन्स क्रूक्ड। सर्वदा, सर्वदा मीन्स ऑलवेज। दोष, दोष मीन्स फॉल्ट। पश्यति, पश्यति मीन्स सीज और फाइंड्स। एकदा मीन्स वंस। वने, वने मीन्स इन द जंगल। अटति मीन्स रोम्स और रोमिंग। ओके, नाउ ट्रांसलेशन। There is a camel. By nature, the camel is crooked, means के fault finder. It always sees only the faults once it is roaming about in the jungle. Next paragraph. मार्गे शह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। उष्ट्रः शुकाय कथयति। हे शुक, तव चञ्चु वक्रा अस्ति। शुकः लज्जाम् अनुभवति। उष्ट्रः हस्ति अग्रे चलति। मार्गेश, मार्गेश मीन्स ऑन द वे कैमल। वृक्षस्य उपरि मीन्स ऑन अ ट्री। शुकम, शुकम मीन्स अ पैरट। उष्ट्र शुकम कथयति मीन्स द कैमल सेज टू द पैरट। शुकम, शुकम मीन्स विथ द रूट। पुत्राय, सॉरी, चंचु, चंचु मीन्स बीक। एंड वक्रा, वक्रा मीन्स क्रूक्ड। एंड लज्जाम, लज्जाम मीन्स शेम। अनुभवती, अनुभवती मीन्स एक्सपीरियंस फील्स। एंड अग्रे, अग्रे मीन्स फॉरवर्ड। नाउ ट्रांसलेशन। On the way, it sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "Oh, parrot, your beak is crooked." The parrot feels ashamed. The camel laughs and goes forward. मार्गे शह कुकुरं पश्यति। उष्ट्रः कुकुराय कथयति। हे कुकुर, तव पुच्छं वक्रम अस्ति। कुकुरः लज्जाम् अनुभवति। उष्ट्रः हस्ति अग्रे चलति। सॉरी, कुकुरम, कुकुरम मीन्स टू अ डॉग। उष्ट्र कुकुरम मीन्स हियर इज कुकुराय शुड बी देयर इन अ प्लेस ऑफ कुकुरम। ओके, कथ्यति मीन्स द कैमल सेज टू द डॉग। एंड हे कुकुर मीन्स ओ डॉग। तव, तव मीन्स योर। पुच्छम, पुच्छम मीन्स टेल। एंड वक्रम, वक्रम मीन्स क्रूक्ड। नाउ ट्रांसलेशन। ऑन द वे इट सीज अ डॉग। द कैमल टेल्स द डॉग, ओ डॉग, योर टेल इज क्रूक्ड। द डॉग फील्स सेम। द कैमल लाफ्स एंड गोज अहेड। मार्गे बकः अस्ति। बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति। तव ग्रीवा वक्रा अस्ति। बकः उष्ट्रं पति पश्यति अपि न। बक, बक मीन्स अ क्रेन। बकं दृष्ट्वा मीन्स ऑन सीइंग द क्रेन। ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स नेक। एंड वक्रा, वक्रा मीन्स क्रूक्ड। उष्ट्रम पति मीन्स टावर्ड्स द कैमल।
Now translation. On the way, it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked." The crane does not even look at the camel. मार्गे श्रृगाल मिलति श्रृगाल पृच्छति उष्ट्रभातः कथम अस्ति स्वास्थ्यम समीचीनम वा. श्रृगाल मीन्स अ फॉक्स. मिलति मीन्स मीट्स. पृच्छति पृच्छति मीन्स आस्क. उष्ट्रभात मीन्स ओ ब्रदर कैमल. कथम अस्ति मीन्स हाउ इज इट. एंड स्वास्थ्यम समीचीनम वा मीन्स इज योर हेल्थ ऑल राइट. अन्यत किम्पी. अन्यत किम्पी मीन्स एनीथिंग एल्स. नाउ ट्रांसलेशन. ऑन द वे कैमल मीट्स अ फॉक्स. द फॉक्स आस्क ओ ब्रदर कैमल हाउ इज इट. इज योर हेल्थ ऑल राइट. उष्ट्रह वदति स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्यत किमपि समीचीनम नास्ति. सुकस्य चंचु वक्रा कुकुरस्य पुच्छम वक्रम बकस्य ग्रीवा वक्रा. मीन्स द कैमल सेज माय हेल्थ इज ऑल राइट बट नथिंग एल्स इज ऑल राइट. द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड. द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड. द क्रेन्स नेक इज क्रूक्ड. श्रृगाल वदति सुकस्य चंचु वक्रा किंतु मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोति. कुकुरस्य पुच्छम वक्र किंतु स्वामी भक्त अस्ति. बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता. भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूम्यन रूप अस्ति. मनुष्यवाणी. मनुष्यवाणी मीन्स इन द वॉइस ऑफ ह्यूमंस. वक्तुम मीन्स टू स्पीक. शक्नोति मीन्स इज कैपेबल ऑफ और इज एबल टू. स्वामी भक्त. स्वामी भक्त मीन्स फेथफुल टू मास्टर. एकाग्रता मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन. प्रचलिता. प्रचलिता मीन्स इज वेल नोन और इज फेमस. भवत अपि मीन्स योर्स टू और ऑफ द कैमल ऑल्सो. सर्वाणि अंगानि. सर्वाणि अंगानि मीन्स ऑल द बॉडी पार्ट्स. भवान. भवान मीन्स यू. मरुभूम्या. मरुभूम्या मीन्स ऑफ द डेजर्ट. एंड रूपन. रूपा मीन्स किंग. अपि च तेसा चंचु पुच्छस्य ग्रीवाया च प्रयोजनम अस्ति निरर्थकम् नास्ति. अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं नौषधं. अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः. एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैज बीन मेड इन दिस श्लोका कंपोज बाय अशुरगुरी. अशुरगुरु सॉरी हाँ शुक्राचार्य. अमन्त्रम. अमन्त्रम मीन्स दैट विच इज नॉट अ मंत्र. अनौषधम मीन्स That which is not a medicine. Purush ayogya asti means no man is unfit. Tatra. Tatra means there. And durlabha means hard to find. Now translation. The fox says the parrot's beak is crooked but it can speak in the language of human beings. The dog's tail is crooked but it is faithful to its own master. The crane's neck is crooked but its construction is well known. All your body parts are also crooked but you are the king of the desert. And also there is some use of their beak, tail and neck. Nothing is useless. There is no word which is not a mantra. There is no root which is not a medicine. There is no man who is unfit. In that matter, it is difficult to find an administrator.
After studying and understanding the chapter, read this poem of Kavi Dalpatram in connection to the chapter. We were already learned this poem, okay?